यूपी के बाराबंकी में आज पांचवें चरण के नामांकन के तीसरे दिन सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी राम सागर रावत ने पर्चा दाखिल किया। इसके साथ सपा बसपा के नेता तो मौजूद थे, लेकिन गुटबाजी के चलते सपा के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद बेनी प्रसाद वर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह मौजूद नहीं थे। वहीं टिकट वितरण को लेकर सभी पार्टी में बगावती तेवर साफ देखे जा रहे हैं। मैं ये तजुर्बे की बहुत बात जो आपने ठीक कही, जो बुजुर्ग है और जो खेत खलिहान और जहाँ पैदा होता काम करता है उसको हर चीज़ का तजुर्बा तो यहाँ तक होता है कि इंजीनियर ये नहीं बता पाता है कि किस खेत में कितनी नमी है, जामेगा कि नहीं जामेगा, लेकिन किसान सिर्फ अंगूठा पैर का लगा करके बता देता है कि इसमें जाम आएगा। कितनी उम्र होगी आपको कुछ है आइडिया? 2 साल का जो बछड़ा होता है वो सांड नहीं होता है, वो होता है 3-4 साल 5 साल का जो बछड़ा हो जाता है वो सांड होता है। और ये सब जो है ये सब समाजवादी पार्टी के समय के हैं जिनके समर्थन से वो विधानसभा में हमसे हार भी चुके हैं। और अब आगे की बात जो है ये सिर्फ जवाब नहीं है, तो मैंने उनके लिए कहा है, लेकिन जवाब इसका ये है कि हर ब्लॉक में कई जगहों पर ये पशु आश्रय केंद्र खोले गए हैं जिनमें 50-50, 60-60, 100 से ज़्यादा भी संख्या के जानवर उसमें ला करके रखे जा रहे हैं। ये समस्या जल्दी दूर की। प्रियंका सिंह रावत जी हमारी छोटी बहन है, थोड़ा गुस्सा उनका स्वाभाविक है जब कहीं कहीं टिकट कटता है। हर ऐसे इस संसार में इस धरती पर आदमी की अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक, चाहे हमें हो चाहे हमारी सांसद जी में हो चाहे मेरी उपेंद्र रावत जी में हो, टिकट था, टिकट की उनको आशाएँ थी, नेता ने टिकट नहीं दिया, गुस्सा स्वाभाविक। हमारी बहन है, पार्टी कार्यकर्ता, मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी चंद दिनों में वो हमारे साथ कदम से कदम कंधे कंधे मिलाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। अभी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो बात करती हैं, उनका कहना फ़ोन से बात होता है, तो कहती हैं कि टिकट को बीजेपी को वोट ना दें। ये मुझे नहीं मालूम, ये आप जानते हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई भी कैडर भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है सांसद जी का अपनी पूरे समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है। सांसद जी का सांसद जी का विरोध कोई बात नहीं आ रही है, बात हमने कहा हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कोई विरोध नहीं है।